बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकरीबन पेरिस से 300 किलोमीटर के फासले पर, और अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जर्मनी से पेरिस यानी फ्रांस। तो फ्रांस में इंटर ऑलरेडी हो चुका हूँ, बस अभी पेरिस जा रहा हूँ, तो वहीं पर दो रात स्टे करना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप ट्रैवल करें, चाहे किसी भी एरिया में ट्रैवल करें, तो उसके लिए आपको जो ट्रैवलिंग ऐप है वो कौन कौन सी ऐप हैं जो आपके ट्रैवल में हेल्प कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ऐप है जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ ट्रैवलिंग में एयर टिकटिंग के लिए, तो वो ऐप है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपनी जिस मंजिल से आपको ट्रैवल करना है और जहां जाना है वो डिटेल आप डालेंगे, तो आपको बहुत सारे कम्बिनेशन दिखा देगा कि आप का जो ट्रांजिट के भी आपको ऑप्शन दे देगा, आपको डायरेक्ट के भी ऑप्शन दे देगा कि अगर आपने डायरेक्ट जाना है तो तब आपको टिकट इतने का पड़ेगा। जो जो एयरलाइन उन दोनों मंजिलें यानी जहाँ से आपने जाना है वो और जहाँ पे आपने जाना है वो, उन दोनों एयरपोर्ट पे जो जो एयरलाइंस आती जाती हैं उनके सारे कम्बिनेशन आपको दे देगा। ये एक बहुत ही अच्छी और रिलायबल ऐप है। बाकी ये है कि आपने टिकट परचेज़ करना है तो वो आपने अपने रिस्क पे परचेज़ करना है, ये नहीं कि आपने टिकट परचेज़ कर लिया और बाद में कहें कि आपने कहा था तो इसलिए हमने ये टिकट वहाँ से परचेज़ किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप के साथ वो तो बड़ा अच्छा था, अभी तक कोई ऐसा इशू पेश नहीं आया। तो मैं जब मोस्टली जब भी टिकट लेता हूँ, चाहे वो यूरोपियन टिकट हो या चाहे कहीं भी किसी भी मंजिल का टिकट हो, तो मैं नॉर्मली टिकट जो है स्काई स्कैनर से लेता हूं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं और टिकट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है अच्छे रेट पे। क्योंकि अगर हम किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो वो हमें 2-3 मैक्सिमम ऑप्शन बता देता है कि ये आपके पास ऑप्शन है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो ऐप्स हैं वो हैं होटल बुकिंग से रिलेटेड। होटल बुकिंग Agoda.com, ये दोनों ऐप अच्छी हैं, यहाँ से आप होटल की और हॉस्टल की आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो Booking.com है, क्योंकि उसमें मेरे ट्रिप काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ लेवल हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। जैसे जैसे आप ऊपर वाले लेवल में जाते हैं आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसमें ये होता है कि आपको डिस्काउंट मिलना जाती हैं। उसके अलावा फिर आपको जो कुछ होटल हॉस्टल आपको फ्री में ब्रेकफास्ट ऑफर करते हैं, और कुछ ये है कि आपको जो डिस्काउंट के ऑप्शन हैं वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जो Agoda.com है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली ट्रैवलिंग में ये तो तीन ऐप जो हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, बजाय इसके कि आप लोगों से इंफॉर्मेशन लें, इधर उधर जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। यहाँ तीनों ऐप पर अपना आईडी बनाएं, यहीं से आप अपना टिकट चेक कर लिया करें, ले आप बेशक ट्रैवल एजेंट से लें, लेकिन आप जो अपना एयरलाइन टिकट है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका फेयर कितना चल रहा है उस डेटों में, जिन डेटों में आपने सफ़र करना है। और उसके अलावा जो होटल की बुकिंग है तो वो बेटर है कि आप ख़ुद बुक किया करें किसी ट्रैवल एजेंट से बुक करने की बजाय, अगर आप रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं तब। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेजें या व्हाट्सएप करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।